नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा लू लगने के बारे में। लू लगना क्या होता है, कैसे इससे बचा जाए, इसके क्या क्या कारण होता है और यदि लू लग जाए तो कैसे इसको ठीक किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक तेज़ धूप में, गर्मी के दिनों में खासकर 12 बजे के बाद घर से बाहर निकलता है और दिन भर धूप में रहता है या दिन भर ऐसी गर्म जगह में रहता है जैसे कि भट्टी वगैरह वाली जगह में, जिसके कारण से उसका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसके शरीर का पानी पूरी तरह से सूख जाता है और हमारे जो शरीर का जो खून है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और जिसके कारण से शरीर की कार्य प्रणाली गड़बड़ाने लगती है, तो इस कंडीशन को लू लगना कहते हैं। आइए जानते हैं कि लू क्यों लगता है। यदि कोई व्यक्ति गर्मी के दिनों में अत्यधिक धूप में बहुत देर तक रहता है और वह पानी बहुत कम पीता है, घर से खाली पेट निकलता है, तो हमारे जो शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है धूप में और उस पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो उस पानी को पूर्ति करने के लिए लगातार पानी या कोई तरल पदार्थ लेना होता है। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो जो शरीर का पानी है वो कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और जो हमारी जो चमड़ी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस कारण से जो हमारे शरीर की कार्य प्रणाली पूरी तरह से गड़बड़ाने लगती है, हमारे जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, इस कंडीशन को लू लगना कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसे बहुत ही सरल तरीके से पहचाना जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को लू लगता है तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर तेज़ सिर दर्द होता है, उल्टी जैसा लग सकता है, उल्टी हो सकता है, दस्त हो सकता है, चक्कर आता है, हमारा जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, पसीना बिल्कुल नहीं आता, किसी किसी व्यक्ति में बेहोशी की कंडीशन भी हो सकती है। तो ये सारे लक्षण यदि दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति को लू लग गया है। यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसे तुरंत किसी ठंडे छायादार जगह में ले जाएं और जो अननेसेसरी जो कपड़े हैं उसको रिमूव कर दें, हटा दें, जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा कपड़ा आप निकाल दें और ठंडे पानी से उसके पूरे शरीर को पोंछ दें, सिर पर ठंडा पट्टी करें, दो कपड़ा लें और ठंडे पानी में डुबोकर सिर पर रखें और बार बार ऐसी करते रहें और यदि पानी गर्म हो जाता है तो उस पानी को बदल दें। साथ में ठंडे पानी का छिड़काव स्प्रे व्यक्ति के ऊपर करते रहें, यदि बर्फ़ हो तो बर्फ़ से हथेली और तलवों पर घिसाई कर सकते हैं, उससे जल्दी जो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। अधिक मात्रा में तरल पदार्थ जैसे कि नारियल का पानी, आम का पन्ना, जलजीरा, फलों का जूस इत्यादि दे सकते हैं। यदि ORS हो तो ORS का घोल दे सकते हैं। यदि वह व्यक्ति बेहोश हो तो बेहोशी के कंडीशन में लिक्विड चीज़ बिल्कुल ज़बरदस्ती मुंह में न डालें, ऐसा करने से जो तरल पदार्थ है वो आहार नाल में न जाकर श्वास नली में चला जाएगा और श्वास अवरोध होने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल न करें। बाकी उपाय आप कर सकते हैं और इन सब उपायों से यदि व्यक्ति को होश न आए तो तुरंत उसे किसी चिकित्सक के पास या अस्पताल ले जाएं। लू से बचने के लिए गर्मी के दिनों में 12 बजे के बाद बिल्कुल घर से बाहर न निकलें। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो यदि आपके पास कार हो तो कार में जाएं और कार का जो AC है वो ऑन रखें और कार से यदि धूप में निकलते हैं तो निकलने से थोड़ा देर पहले आप AC बंद कर दें और खिड़की खोल दें, उसके बाद निकलें। यदि AC से डायरेक्ट धूप में जाते हैं तो उससे भी लू लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप बाइक में
या साइकिल में या पैदल आप धूप में निकल रहे हैं तो घर से निकलने से पहले आप थोड़ा बहुत कुछ हल्का भोजन कर लें, खाली पेट बिल्कुल ना निकलें। और अपना जो सिर है, नाक कान मुंह इत्यादि अच्छे से ढक लें, पूरी बांह वाला कपड़ा पहने, शर्ट पहने, और लाइट कलर के यानी हल्के रंग के, हो सके तो सफ़ेद कलर का शर्ट पहने, और कपड़ा जो है एकदम टाइट ना हो, ढीला ढाला कपड़ा पहने। पानी का बॉटल अपने साथ रखें, हो सके तो आपके पास ORS हो तो 1 लीटर के बॉटल में आप ORS का एक घोल बनाकर रख लें, उसे बीच बीच में पीते रहें। बीच बीच में आप फ्रूट जूस, जलजीरा, आम पना, ऐसे तरल पदार्थ आप पीते रहें। गर्मी के दिनों में खासकर दोपहर में नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, मांस मछली बिल्कुल ना खाएं, अत्यधिक ज़्यादा भोजन न करें। इससे क्या है, भोजन को पचाने के लिए या मांस को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है हमारा शरीर, तो इस कारण से पानी की कमी हो जाती है, और धूप में बहुत ज़्यादा पसीना आने के कारण ऐसे भी पानी की कमी हो जाती है, तो लू लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक यह वीडियो पहुंच सके और उसकी जान बच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।